वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एपिसोड 2 चेस्ट डे। आज हम चेस्ट ट्रेड करेंगे और एकदम फेलियर तक जाने की कोशिश करेंगे, और शोल्डर में भी शोल्डर के भी दो तीन वेरिएशन लेंगे, उसमें भी एकदम फेलियर जाने की ट्राई करेंगे। इसलिए चलो देखते हैं। सो अभी जस्ट जिम में पहुंच चुके, अभी हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। अभी पहले वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। जस्ट वार्म अप हो चुका है, उसके बाद हम इंक्लाइन बेंच प्रेस स्टार्ट करेंगे। उसके हम 4 सेट्स लेंगे, हैवी जाएगा आज थोड़ा। ठीक है, कुछ तो बोलो। कर रही चेहरा लगा के एचआर का मारो तो सुन बराबर ना। ऐसे कैसे बोलते हैं ना, ढाको फोकस कर कर मम्मी नहीं बाकी अगर वाक अभी फर्स्ट वार्म अप सेट लेंगे 7.5 केजी। पूरे चेस्ट को स्क्वीज करना है, ऊपर जाते टाइम और नीचे जाते टाइम पूरा स्ट्रेच। उसके बाद हम अब चौथे सेट में डायरेक्ट दिखाएंगे जब हैवी मारेंगे। छत अप। चल इजी। चल सेल्फ है। चल 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 लास्ट थ्री, लास्ट थ्री, वन लास्ट वन, इजी सेल्फ लास्ट। Yep. Failure. One. Three. The last five. Last four. Woo. Let's go. Last two. Check. Last two. Two. One. Last one. Self. 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 Fuck. Up. Up. Last one. Let's go. अभी से ही पंप अच्छा आ चुका है, ये लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद पैक डेक फ्लाई परफॉर्म करेंगे। अभी पैक डेक फ्लाई परफॉर्म करेंगे, उसके 3 सेट्स लेंगे। अभी ये पैक डेक फ्लाई का फर्स्ट सेट परफॉर्म करेंगे। इसमें अच्छे से चेस्ट अपनी स्क्वीज हो जाती है। इसको भी अपने को स्लो परफॉर्म करना है। और फिर अपन डिक्लाइन के लिए केबल फ्लाइज लेंगे। अभी इसका थर्ड सेट करेंगे, फेलियर जाने की कोशिश करेगा। हाँ
मोर तो बेसिकली मैं कैलिस्थेनिक और वेट ट्रेनिंग दोनों ट्रेन करता हूँ। कंपेयर टू वेट ट्रेनिंग मैं बॉडी वेट ज़रा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे मेरी स्ट्रेंथ बेटर रहती है। आप भी बॉडी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वेटेड पुलअप्स, वेटेड डिप्स, पुशअप, मसल अप वगैरह आप कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग के लिए आपको बेटर पड़ेगा, उससे आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और वेट उठाने में भी आसानी होगी। तो अब हम डिक्लाइन केबल फ्लाइज का सेट लगाएंगे। अभी डिक्लाइन फ्लाइज का फर्स्ट सेट परफॉर्म करेंगे। और आपको बॉडी वेट का भी वर्कआउट चाहिए रहेगा तो कमेंट करना। अभी इसका लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे, देखते फेलियर तक जाने की कोशिश करेंगे। ऑन अभी इसके बाद लेटरल रेजेस मारेंगे। अभी लेटरल रेजेस के सेकंड सेट 7.5 से परफॉर्म किए, अभी 10 kg से परफॉर्म करेंगे थर्ड सेट करते। एकदम टाइम लेके मारना है। नीचे आते टाइम एकदम स्लो आना है जिससे एकदम टेंशन आनी चाहिए शोल्डर पर। अभी वर्टिकल चेस्ट प्रेस के 3 सेट्स लेके हैवी परफॉर्म कर रही है क्योंकि ये लास्ट वेरिएशन है, फिर उसके बाद अपना वर्कआउट एंड करते हैं। ये फर्स्ट सेट है। ये मशीन से बहुत अच्छा प्रेशर आता है। डायरेक्ट थर्ड सेट में आपको दिखाएंगे। अभी लास्ट सेट है, हैवी परफॉर्म करेंगे, देखते फेलियर जाने की कोशिश करते। अभी लास्ट सेट है, हैवी परफॉर्म करेंगे, देखते फेलियर जाने की कोशिश करते। लेट्स चेक द पंप। बहुत ही अच्छा है आजकल।
अभी जस्ट वर्कआउट हो चुका है, रात में डिनर के बाद अपने स्टेप्स कंप्लीट करने जाएंगे और देखते हैं फिर ब्लॉग को एंड कर देंगे स्टेडियम। सो अभी जस्ट एट डिनर, अब हम अपना स्टेप्स कंप्लीट करने जाएंगे। आज मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं मेरे साथ, तो उनसे भी मिलाता हूँ और देखते हैं। मैं अपना स्टेप कंप्लीट करने आ चुका हूँ और मेरे फ्रेंड्स से मिलाता हूँ अभी। तो हम मरते मरते बच चुके हैं, गाड़ी सीखी हुई थी, नंबर प्लेट लिख कर मेरे। सो आज के लिए इतना ही, बाय।